कांगड़ा जिले के मानसी थाना क्षेत्र अंतर्गत पंचवटी टोला के निवासी नितेश कुमार साह के घर बीते 18 जुलाई को हुए डकैती कांड का पुलिस ने सप्ताह भर में उद्भेदन करते हुए 5 अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही घटना में प्रयुक्त हथियार व लूटे गए कुछ सामानों को भी बरामदगी हुई है। बताया जाता है कि 6 बदमाशों ने रात के करीब 12 बजे दीवार फांदकर हथियार के बल पर घर में रखे जेवरात एवं 25,000 नकदी सहित 2 मोबाइल लूट लिए थे। घटना के संदर्भ में 19 जुलाई को मानसी थाना में कांड संख्या 205/21 दर्ज किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार मामले का उद्भेदन और घटना में सम्मिलित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कप्तान अमितेश कुमार ने विशेष छापेमारी दल का गठन किया था, जिसके बाद टीम ने कांड का उद्भेदन करते हुए घटना में प्रयुक्त एक देसी पिस्तौल एवं लूटा गया एक मोबाइल, आधार कार्ड एवं जवाहरात बरामद कर लिए हैं। साथ ही पुलिस ने 5 अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया है। वहीं मानसी थाना अध्यक्ष दीपक कुमार ने बताया है कि सभी अपराधी आमनी गांव के गिरफ्तार किए गए हैं। अभी एक और अपराधी बचा हुआ है। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। छापेमारी दल में सहायक दरोगा संतोष कुमार, रॉबिन कुमार दास व हरिंद्र मांझी सहित सशस्त्र पुलिस बल शामिल थे। का जो उद्भेदन हुआ है सर, कितने अभियुक्त अभी तक में गिरफ्तार हुआ और क्या सब बरामदगी हुई है? अभी तक 5 व्यक्ति इसमें गिरफ्तार हुए हैं। कहाँ से लोग गिरफ्तार? अमली गांव से गिरफ्तार हुए। क्या सब बरामदगी हुई है सर? इसमें लूटे गए जेवरात हैं और जिससे भय दिखा कर लूटा गया था वो कट्टा हुआ है, गोली है। उस संदर्भ में एक अलग केस किए हैं, सुरेंद्र पासवान यहाँ से मिला था। ये सब कहाँ के रहने वाले? मोबाइल है लूटा गया वो बरामद। ये लोग, ये जो अपराधी हैं, ये सब कहाँ के रहने वाले थे? सभी अमनी ग्राम के। और भी इसमें? हाँ, और भी हैं। कितने बचा हुआ है अभी? 2-3 और बचे हुए हैं, उन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है, उन्हें भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। ये लोग के विरुद्ध मतलब और भी कोई भी थाना में लूटकांड का मतलब अपराधी वगैरह पता लगाया जा रहा है। वैसे मुफस्सिल में एक 395 का केस हुआ था। किन पे हुआ था, क्या नाम था? वो अज्ञात पे हुआ था, उसमें भी उसका भी एक बाली बरामद हुआ है इन लोग के पास से, वो भी हम रिकवर करेंगे।